खुशियाँ बटोरते बटोरते एक उम्र गुजर गई। खुशियाँ बटोरते बटोरते एक उम्र गुजर गई। बाद में पता चला खुश तो वे लोग थे जो खुशियाँ बांट रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की एक्सप्रेस वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की पांच बड़ी खबरें। इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा दाम। आइए तो शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो हैंड सैनिटाइजर को लेकर सरकार ने दी चेतावनी, कहा ज्यादा इस्तेमाल से हो सकता है नुकसान। जी हां दोस्तों, कोरोना के इस काल में सबसे ज्यादा जिसका उपयोग होता है वो है मास्क और हैंड सैनिटाइजर। लेकिन हैंड सैनिटाइजर को लेकर भारत सरकार ने नई चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी में कहा है कि हैंड सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल हानिकारक हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से विशेषज्ञों की टीम ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इसका ज्यादा प्रयोग करने से त्वचा को स्वस्थ रखने वाले अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। जानकारों का कहना है कि साबुन और पानी हो तो हाथ इनसे ही धोए, साबुन नहीं होने पर ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। चलिए तो आज की अगली खबर है, 3 हाईटेक लैब का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोजाना 10,000 कोरोना सैंपल की होगी जांच। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 हाईटेक लैब का शुभारंभ करेंगे और ये तीनों लैब उच्च श्रेणी की होगी जिसमें रोजाना 10,000 कोविड-19 सैंपल की जांच हो सकेगी और इन तीनों टेस्टिंग सेंटर को ICMR नोएडा, मुंबई और कोलकाता में शुरू करने जा रहा है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। अच्छा तो कोरोना को लेकर हुई एक रिपोर्ट शोध में ये खुलासा हुआ है कि इस वजह से पुरुषों को अधिक शिकार बनाता है कोरोना। जी हां दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है लेकिन इस महामारी का महिलाओं से ज्यादा शिकार पुरुष हो रहे हैं और ये स्टडी नीदरलैंड में अलग अलग उम्र के पुरुष और महिलाओं के ऊपर हुई थी। स्टडी के दौरान 4 कोरोना मरीजों के जिन जिन में खामी मिली वो एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। पुरुषों में एक्स क्रोमोसोम की एक कॉपी होती है जबकि महिलाओं के अंदर दो होती है। अगर महिलाओं के एक्स क्रोमोसोम में कोई खामी होती है तो दूसरे एक्स क्रोमोसोम से वो ठीक हो जाती है। तो इस तरह से सामान्य जीन की दो कॉपी मौजूद होने की वजह से महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले ज्यादा लाभ मिल जाता है। चलिए तो अगली खबर है, आईफोन हो जाएंगे सस्ते, भारत में एप्पल स्मार्टफोन बनाने की हुई शुरुआत। जी हां दोस्तों, मेड इन इंडिया मुहिम को रफ्तार देने के लिए स्मार्टफोन जगत की दिग्गज कंपनी एप्पल ने इंडिया में फोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। जी हां, एप्पल के फ्लैगशिप स्मार्टफोन आईफोन 11 की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू की जा चुकी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और इससे भारत में रोजगार भी बढ़ेगा। चलिए तो अगली खबर है, बड़ा फैसला, सरकारी खरीद में हिस्सा नहीं ले पाएगी चीनी कंपनियां, मोदी सरकार ने लगाया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत और चीन के बीच में चलने वाले तनाव को लेकर कई बड़े फैसले किए। चाइनीज 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया लेकिन अब सरकार ने एक और नया बदलाव कर दिया है जिसके अनुसार किसी भी टेंडर में, किसी भी खरीद में चीनी कंपनियां हिस्सा नहीं ले पाएगी। दरअसल सरकार के इस नियम के अनुसार भारत की सीमा से सटे बॉर्डर पर जितने भी देश हैं उनको भारत में निवेश करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। चलिए तो इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, दिल्ली गवर्नमेंट का बड़ा कदम, रोजगार देने के लिए लॉन्च होगा जॉब पोर्टल। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच में अरविंद केजरीवाल सरकार ने जॉब पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने यह कदम कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन में नौकरी गंवा चुके लोगों को फिर से रोजगार मुहैया करवाने के लिए उठाया है। चलिए तो अगली खबर है, 22 कैरेट बताकर 18 कैरेट का गोल्ड बेचना, अब ज्वेलर्स को पड़ेगा भारी, लागू हुआ ये नियम। जी हां दोस्तों, अगर आपको 22 कैरेट का सोना बताकर 18 कैरेट का सोना बेचा जाता है तो ज्वेलर्स को जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। ग्राहकों के साथ में हो रही ठगी को देखते हुए मोदी सरकार ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कानून लेकर आई है जिससे कि गलत तरीके से या फिर कम गुणवत्ता वाला सोना बेचने पर सख्त एक्शन लिए जाएंगे। आइए तो बात करते हैं 7वें आसमान पर पहुंचे सोने और चांदी के भाव की। सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,996 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 39,968 रुपए, 10 ग्राम के अनुसार 49,960 रुपए और 100 ग्राम का 4,99,600 रुपए। 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस हो चुकी है। बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो 1 ग्राम का 5,116 रुपए, 8 ग्राम का 40,928 रुपए, 10 ग्राम का 51,160 रुपए और 100 ग्राम का 5,11,600 रुपए। 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। वही बात करें चांदी के दाम की, तो प्रति किलोग्राम के अनुसार 61,200
210 रुपए पर चांदी का भाव पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि कौन से जानवर का पसीना गुलाबी रंग का होता है और इसके विकल्प है हिरण, दरियाई घोड़ा, भालू या फिर कछुआ। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली यहाँ पर प्रकाशित किए जाएंगे।